नमस्कार, स्वागत है आपका नई तकनीक नया भारत के इस एपिसोड में। हम एक बार फिर हाजिर हैं खेती किसानी में नई तकनीकों को लेकर। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम किसानों को खेती में प्रयोग होने वाली नई तकनीकों और नए आविष्कारों से परिचित कराते हैं, जिससे देश के किसान नई तकनीकों के बल पर खेती में अधिक उपज लेकर अपनी आय बढ़ाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर, नई तकनीक संग बदल रही है देश की तस्वीर। नई तकनीक नया भारत। कृषि क्षेत्र में नई तकनीक से हरियाली है छाई, सोलर पंप हल्के यंत्रों से नई क्रांति है आई। धरती पुत्र बना रहे एक नया भारत। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। आपने अपने शहर में पौधों की नई नर्सरी देखी होगी और वहां से फूल और पौधे भी खरीदे होंगे, जो अधिकतर सामान्य तरीके से तैयार किए जाते हैं। लेकिन आज हम सब्जी की नर्सरी तैयार करने के लिए एक खास तकनीक के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिसे कहा जाता है प्रो ट्रे नर्सरी। इस तकनीक में पौधे तैयार करने में किस्मों की गुणवत्ता में जहां सुधार आएगा, वहीं नर्सरी पौध में बेहतर उत्पादन मिलेगा, जिससे किसान पारंपरिक विधि के मुकाबले ज़्यादा लाभ कमा सकेंगे। तो क्या है ये प्रो ट्रे नर्सरी, आइए जानते हैं इस कड़ी में। अच्छी गुणवत्ता की बंपर उपज पाने के लिए स्वस्थ और अच्छे किस्म के पौध की जरूरत होती है। हमारे देश में किसान परंपरागत विधि से अपने खेतों में ही नर्सरी पौध तैयार करते हैं, जिससे जरूरत के मुताबिक सही समय पर सही और स्वस्थ पौध नहीं मिल पाते हैं। इसका एक कारण जलवायु है, तो दूसरा कारण खुले में पौधशाला तैयार करना, जिससे नर्सरी पौध कीट रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। यही सब कारण है कि सब्जियों की खेती के लिए बेहतर मौसम के इंतजार में किसानों को नर्सरी पौध डालने में ज्यादा देर हो जाती है, और रोपी गई फसल से उपज आते आते कई बार तो बारिश और अधिक गर्मी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फसल से अच्छी उपज नहीं मिल पाती है और किसानों को मन माफिक लाभ नहीं हो पाता। जबकि इन स्थितियों से बचने का आसान तरीका है प्रो ट्रे में सब्जियों की समय से स्वस्थ नर्सरी तैयार करना और तैयार पौध की खेतों में रोपाई करना। इससे कई फायदे होते हैं, खास तौर पर समय की बचत होती है और सीजन से पहले ही सब्जियों की उपज मिल जाती है, जिसे आप बेमौसमी सब्जी भी कह सकते हैं। सब्जी उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण है सब्जी का बाजार में अग्रिम रूप से आना। जो किसान भाई हमारे सब्जी की फसल को लगाते हैं, सब्जी की उनकी अगर बाजार में सर्वप्रथम आ जाती तो उसका उचित मूल्य प्राप्त होता है। उस उचित मूल्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारी कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनकी हम पौध तैयार करके पौधशाला में खेती करते हैं, उसके बाद खेत में ले जाते हैं, उनके लिए आधुनिक खेती करने के लिए जो हमारी नई विधा है उसके अंतर्गत पौधशाला का उत्पादन हम अपने प्रो ट्रे या जिसको प्रोपोगेशन ट्रे कहते हैं उसमें कर सकते हैं। बाजार में इसकी कीमत नई सब्जी के नाम पर ज्यादा मिलती है। प्रो ट्रे टेक्निक सबसे कारगर। दरअसल पौध ट्रे को प्रोपगेशन ट्रे या सीडलिंग ट्रे भी कहा जाता है। इस ट्रे का उपयोग टमाटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी,
फूल गोभी, मिर्च और करेला जैसे पौधे तैयार करने के लिए किया जाता है। प्रोपोगेशन ट्रे या सूक्ष्म नाम उसका प्रो ट्रे है। इस तकनीक से अगर हम पौध उत्पादन करते हैं तो अगेती रूप से हम अपने कम समय में, कम जगह में और अपने उचित माध्यम में इस भी पौध का तैयार कर सकते हैं। पौधशाला तैयार करने के लिए और इस तैयार पौध को खेत तक ले जाने के लिए इस पोर्ट्रे से सुगमता पूर्वक हम अपने खेतों में रोपण कर सकते हैं। बाजार में ऐसी ट्रे अनेक आकार में उपलब्ध हैं। नर्सरी तैयार करने में इसके साथ ही और आधुनिक विधियों का भी इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा फायदा है। जैसे नर्सरी प्रो ट्रे में तैयार करना और संकर बीजों का चुनाव करना, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग खांचों के प्लास्टिक ट्रे आते हैं जिनमें परलाइट, वर्मिकुलाइट और कोकोपिट मिलाकर भरा जाता है। जहां तक हम बात करते हैं प्रो ट्रे में नर्सरी उत्पादन के लिए, तो ये बाजार में प्रो ट्रे हमको प्लास्टिक की विभिन्न खानों की बनी हुई ये उपलब्ध है। इसमें भरने के लिए जो मटेरियल है उसमें कोकोपिट, वर्मिकुलाइट, परलाइट, ये तीन मिश्रण को लेके, जिसमें कि मिश्रण का एक रेशियो है, कोकोपिट दो भाग, वर्मिकुलाइट और परलाइट एक एक भाग में, इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के पश्चात ये जो इच्छित ट्रे है, ये ट्रे बाजार में कई साइजों में आती है, 98 साइज की होती है, 98 खाने बने होते हैं, 99 है और कुछ बड़े खाने वाली भी हैं जो कि 50 खानों की आती है। सर्वप्रथम वर्मिकुलाइट, कोकोपिट और परलाइट का मिश्रण इन तीनों में भर के उसके बाद इच्छित प्रजाति का, इच्छित फसल का बीज इसमें लगाकर हम पौध का उत्पादन कर लेते हैं, जिसमें बीजों का जमाव बेहतर होता है। इसके अलावा पॉलिटनल का प्रयोग कर आप इसे ठंड में भी तैयार कर सकते हैं। प्रो ट्रे में बीजों के अंकुरण के एक सप्ताह बाद सिंचाई जल के साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सूक्ष्म तत्वों को अंकुरित पौधे को दिया जाता है। घुलनशील पोषक तत्व बाजार में 20:20:20, 19:19:19 और 15:15:15 के कई अनुपात में मिलते हैं। गर्मी के मौसम में पौधों को दिन में दो बार सिंचाई देने की जरूरत होती है और जाड़े के मौसम में दिन में एक बार सिंचाई देने की जरूरत होती है। इस तकनीक में नर्सरी पौध 25 से 30 दिन में खेतों में रोपण के लिए तैयार हो जाते हैं। दरअसल प्रो ट्रे से नर्सरी तैयार करने में बहुत ज्यादा परेशानी या खर्च नहीं है। ऐसे प्रो ट्रे आपको बाजार में 35-40 रुपए में एक मिल जाएंगे। इन प्रो ट्रे को लोटनल पॉलीहाउस, पॉलीहाउस या शेड नेट में रखकर सब्जियों की नर्सरी उगाई जाती है। वो किसान जो पॉलीहाउस या शेड नेट लगाने में समर्थ नहीं है, वो कम लागत वाली लो टनल पॉलीहाउस में प्रो ट्रे रखकर नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान को इसे बनाने के लिए बांस की खपच्चियों पर रखी जाने वाली प्लास्टिक 150 रुपए तक मिल जाएंगी। सब्जियों के बीजों के अंकुरण के लिए 20 सेंटीग्रेड से 25 सेंटीग्रेड तापमान उचित होता है। अगर वातावरण का तापमान इतना है तो नर्सरी ट्रे बाहर भी रखा जा सकता है, मगर बाहर का तापमान 10 से 12 सेंटीग्रेड है तो प्रो ट्रे को हमेशा शेड के अंदर रखें। प्रो ट्रे नर्सरी के लाभ। दरअसल आप पॉलीटनल में इस तरह नर्सरी तैयार कर सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक तो होगी, लेकिन प्रो ट्रे तकनीक इससे कहीं ज्यादा फायदेमंद है। जैसे प्रो ट्रे विधि में जीवाणु विषाणु का ज्यादा आक्रमण नहीं होता, उपज ज्यादा मिलती है। इसके अलावा प्रो ट्रे में खरपतवार नहीं जमते, तैयार पौध निकालने पर ज्यादा टूटती नहीं, खेतों में जल्द और अच्छी तरह लग जाती हैं। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय परिवहन एवं यातायात में भी आसानी होती है और बाढ़ या ओले जैसी आपदा में इनकी रक्षा करना ज्यादा आसान होता है।
किस तरह आप प्रो ट्रे तकनीक अपनाकर स्वस्थ नर्सरी पौध तैयार कर सकते हैं, जिससे अगेती सब्जियों की खेती में आपको मदद मिलेगी। साथ ही स्वस्थ नर्सरी की बुनियाद पर आप पाएंगे स्वस्थ और गुणवत्ता वाली बम्पर उपज, जो समय से पहले मिलने के कारण अच्छी कमाई का स्रोत बनेगी। कृषि वैज्ञानिक आधुनिक प्रोट्रे तकनीक में सब्जी पौधे तैयार करने की सलाह देते हैं, जिससे सब्जी उत्पादक किसान पुरानी तकनीक को छोड़कर आधुनिक प्रोट्रे तकनीक की ओर अग्रसर हों। इस तकनीक से उनको भरपूर फायदा मिलेगा, तो आप भी इस तकनीक को आजमा कर बेहतर भविष्य की शुरुआत कर सकते हैं। अब समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। अजय बताते हैं कि उन्होंने लगभग आधा एकड़ में वर्ष 2017 में पॉली हाउस बनाकर सब्जी नर्सरी उगाने का काम शुरू किया। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। वो किसान जो पॉली हाउस या शेड नेट लगाने में समर्थ नहीं है, वो कम लागत वाली लो टनल पॉली हाउस में प्रो ट्रे रखकर नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे के सफर की ओर। देश में कुछ किसान ऐसे भी हैं जो खुद से पहल करके अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का सहारा ले रहे हैं। आज आपको मिलवाएंगे ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान से, जिन्होंने सब्जी पौध नर्सरी तैयार करने की पुरानी तकनीक को छोड़कर पॉली हाउस में नई प्रो ट्रे तकनीक से नर्सरी पौध उगाने का हौसला दिखाया और उन्होंने सही तरीके से तकनीक अपनाई, जिससे उन्हें अच्छी सफलता भी मिली। आइए जानते हैं इस प्रगतिशील किसान से पॉली हाउस में प्रो ट्रे तकनीक से नर्सरी उगाने का क्या फायदा है और वो कैसे लाभ कमा।
और मैंने पाली हाउस अपने 10 बिस्से में लगा रखा है और उसमें नर्सरी, चूँकि हमारे क्षेत्र में मिर्चे और टमाटर की खेती होती है, तो मैं अच्छी उपज के लिए किसानों को मैंने सोचा कि पाली हाउस में नर्सरी तैयार करें, जिससे किसानों को अच्छी नर्सरी मिले, जैसे उससे उनका उत्पादन अच्छा हो सके। अब अपने जिले सहित दूसरे जिले में सब्जियों की पौध सप्लाई करके लाभ कमा रहे हैं। अजय बताते हैं कि उन्होंने लगभग आधा एकड़ में वर्ष 2017 में पॉली हाउस बनाकर सब्जी नर्सरी उगाने का काम शुरू किया। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपने खेत में पॉली हाउस तैयार करवाया, जिसमें सरकार की तरफ से 50% के अनुदान का लाभ मिला। सर, पॉली हाउस हमने 10 बिस्से में लगा रखा है और इसमें 50% जो है उत्तर प्रदेश सरकार का सब्सिडी है और लगभग इसको लगाने में 10 लाख रुपए का खर्च आता है 10 बिस्से। पॉली हाउस बनवाने के बाद उसमें नर्सरी पौध उगाने का काम शुरू किया। पॉली हाउस में वे क्यारियों की जगह नई तकनीक प्रो ट्रे का इस्तेमाल करते हैं। सर, ये इसमें जो है, जो मेरे पास ट्रे है, ट्रे तो कई साइज के आते हैं, जो मेरे पास है ये जो 22 रुपए की ट्रे है, इसमें 104 पौधे पड़ते हैं, जिसमें कि आप लगभग 10% उसमें खराब समझिए तो आप लगभग 90 पौधे एक ट्रे में लगभग तैयार हो जाते हैं। और पौधे जब लगभग एक महीने के ऊपर हो जाते हैं तो उसमें से उखाड़ करके रोपण कर दिया जाता है। अजय कुमार सिंह की नर्सरी में हरी मिर्च, शिमला मिर्च, बैंगन और टमाटर सहित अन्य तरह की सब्जियों के पौधों को तैयार किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले अच्छे किस्म की सब्जियों के संकर बीज का वो चुनाव करते हैं, फिर प्रो ट्रे में अलग अलग खांचों के प्लास्टिक ट्रे में परलाइट, वर्मिकुलाइट और कोकोपिट मिलाकर भरा जाता है। इसके बाद सब्जी के बीजों की बीजो उपचार कर बुआई की जाती है। जी, नर्सरी डालने के लिए हम कोकोपिट मंगाते हैं और उसके बाद उसमें जो है उसको भिगो करके एक दिन बाद उसमें उसको बाहर निकालते हैं और उसमें हम कार्बनडाइऑक्साइड मैंकोजेब का पाउडर मिलाते हैं और एनपीके खाद मिलाते हैं। उसके बाद मिक्स करके ट्रे में उसको भरवा करके उसके बाद उसमें बीज डलवाते हैं, जिससे बीजों का जमाव बेहतर होता है। और सही प्रकार से प्रबंधन करते हैं तो नर्सरी पौध 15 से 20 दिन में तैयार हो जाते हैं। अब समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। अजय कुमार सिंह ने अपने क्षेत्र के कुछ लोगों को अपने इस उच्च तकनीकी नर्सरी में रोजगार भी दिए हैं। इस तरह वो अपनी कमाई के साथ साथ इस तकनीक और सोच के माध्यम से दूसरे लोगों के लिए आय का जरिया भी बन गए हैं। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया। पॉली हाउस बनवाने के बाद उसमें नर्सरी पौध उगाने का काम शुरू किया। पॉली हाउस में वे क्यारियों की जगह नई तकनीक प्रो ट्रे का इस्तेमाल करते हैं। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर।
इस समय अजय जी के पॉली हाउस में तैयार की प्रोट्रे विधि से मिर्च की नर्सरी पौध तैयार है। पौध का बेहतर विकास और पूर्ण अंकुरण पाकर वो खुश हैं। वो बताते हैं कि प्रोट्रे में बीजों की बुआई करने के बाद हजारे से सिंचाई की जाती है। जो है पहले भिगोने के बाद डालते हैं, उसमें बीज डालते हैं, उसके बाद ट्रे जो है एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं। 10 दिन तक जब हल्की हल्की अंकुरण होने लगता है तो उसको हम फैला देते हैं ट्रे को, और उस पे पानी का छिड़काव करते हैं। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन NPK का घोल मशीन द्वारा उस पे छिड़काव किया जाता है, प्लस उस पे जो है आपका फफूंदी नाशक और कीटनाशक दवाओं का भी छिड़काव किया जाता है। प्रोट्रे विधि में जीवाणु विषाणु का ज्यादा आक्रमण नहीं होता और इससे तैयार पौध से उपज ज्यादा मिलती है। इसके अलावा इस पॉली हाउस में एक बार में 4,50,000 नर्सरी पौध को तैयार किया जाता है। अजय के अनुसार इस तकनीक में प्रति पौध को तैयार करने में 1 रुपए की लागत आती है और किसानों को ये प्रति पौध 1.50 रुपए की दर से बेचा जाता है। अगर एक पौधे के लागत खर्च को घटा दिया जाए तो प्रति पौध उनको 50 पैसे का मुनाफा होता है। इस तरह से 4,50,000 नर्सरी पौधों से मिले लाभ का अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं। जर्मिनेशन जो है यहाँ जब नर्सरी डलता है तो उसमें लगभग हमको पर पौधे 50 पैसे का लगभग मुनाफा होता है, और लगभग 1-1.5 लाख 2-3 महीने के अंदर नर्सरी पड़ती है, उसी हिसाब से मुझको प्रॉफिट होता है। अजय बताते हैं कि नर्सरी में पूरी तरह से अच्छी किस्मों की सब्जी नर्सरी पौध को उगाया जाता है। किसानों द्वारा मांग या ऑर्डर देने पर बुकिंग की जाती है, फिर उनको समय से आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा नर्सरी से जुड़े सभी किसानों को समय समय पर संदेशों के जरिए जानकारी दी जाती है कि नर्सरी में कौन कौन से पौधे उपलब्ध हैं जिससे वो आकर खरीद सकें। अजय कुमार सिंह ने अपने क्षेत्र के कुछ लोगों को अपने इस उच्च तकनीकी नर्सरी में रोजगार भी दिए हैं। इस तरह वो अपनी कमाई के साथ साथ इस तकनीक और सोच के माध्यम से दूसरे लोगों के लिए आय का जरिया भी बन गए हैं। आप भी इस तरह अपनी स्वयं की उच्च तकनीकी नर्सरी बनाकर अच्छी गुणवत्ता की नर्सरी पौध तैयार करके उसे अपने क्षेत्रों के किसानों को बेचकर स्वयं की आय के साथ साथ उनको सही पौध देकर लाभ भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अच्छी किस्म के पौधे बेचने का व्यापार आजकल बहुत ही फायदे का सौदा है। अगर आप बहुत छोटे स्तर पर इसे शुरू करते हैं और बड़ी नर्सरी से पौधे खरीद कर उन्हें ग्राहकों को सप्लाई करते हैं, तब भी आप कम से कम महीने में 20,000-30,000 तक का लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसलिए सब्जी उत्पादक किसान अब परंपरागत सब्जी पौध उत्पादन की तकनीक को छोड़कर इस आधुनिक तकनीक को अपनाकर इसका भरपूर फायदा ले सकते हैं, क्योंकि ये तरीका बेहद सरल व झंझट से मुक्त है। इसमें कीट व्याधि का प्रकोप भी बहुत कम होता है। तो है ना ये फायदे की तकनीक। इस तरह आप प्रो ट्रे तकनीक अपनाकर स्वस्थ नर्सरी पौध तैयार कर सकते हैं, जिससे अगेती सब्जियों की खेती में आपको मदद मिलेगी। साथ ही स्वस्थ नर्सरी की बुनियाद पर आप पाएंगे स्वस्थ और गुणवत्ता वाली बम्पर उपज, जो समय से पहले मिलने के कारण अच्छी उपज का स्रोत बनेगी। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर, नई तकनीक संग बदल रही है देश की तस्वीर। नई तकनीक नया भारत। कृषि क्षेत्र में नई तकनीक से हरियाली है छाई, सोलर पंप हल्के यंत्रों से नई क्रांति है आई। धरती पुत्र बना रहे एक नया
भारत, नई तकनीक।